करीब 7 लाख राखी एकत्रित कर रांची में कार्यक्रम हुए। उसी में लेट होने के कारण थोड़े विलंब में आप क्या आना हुआ। बदलाव और तेजी से बदलाव हो रहा है, सिर्फ राज्य में बदलाव नहीं हो रहा है, देश में भी बदलाव हो रहा है और झारखंड की राजनीति में भी जरूर कुछ लोग यात्रा निकाले हुए हैं, लेकिन बदलाव भारतीय जनता पार्टी के तरफ हो रहा है। और यही कारण है कि आज चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेवीएम, कांग्रेस, आज रांची में भी प्रदेश अध्यक्ष विभिन्न पार्टियों को आज ज्वाइनिंग करने का काम कर रहे हैं। हर दिन चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, जेवीएम हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। कल हमारी मुस्लिम बहनें रांची के कार्यालय में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए। आज भी हमने देखा हमारी संथाल बहनें अनीता सोरेन के जी के नेतृत्व में काफी संथाल बहनें भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आखिर क्यों? इसलिए कि राज्य गठन होने के बाद या राज्य गठन के पूर्व भी ये झारखंड देश का सबसे समृद्ध राज्य है। हमारे सामने न गुजरात टिक सकता है, ना महाराष्ट्र टिक सकता है, इतनी कुदरत ने संपत्ति हमें दी है। लेकिन अलग राज्य होने के बाद भी आपने देखा 14 साल किस तरह चोर लोग महागठबंधन बनाकर इस झारखंड को लूटने का काम किया, खसोटने का काम किया, गरीब का हक मारने का काम किया। और पहली बार 2014 में झारखंड की 3 करोड़ जनता ने अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान में एक मजबूत सरकार, एक स्थिर सरकार बनाने का काम की और एक गरीब मजदूर टाटा स्टील के काम करने वाले मजदूर को इस राज्य का मुख्य सेवक बनाने का काम किया। और इन 4.5 वर्ष में हम ये नहीं कहते कि संथाल परगना झारखंड में राम राज आ गए, लेकिन आप भी महसूस कर रहे होंगे संथाल परगना बदल रहा, झारखंड बदल रहा, अभी काफी कुछ करने की जरूरत है। और ये संथाल परगना की धरती ने तो 3-3 मुख्यमंत्री दी, लेकिन संथाल मुख्यमंत्री रहते हुए भी संथाल में जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, किसी ने ईमानदारी से संथाल की गरीबी, बेरोजगारी, ये संथाल परगना का सर्वांगीण विकास, समावेशी विकास किसी मुख्यमंत्री ने नहीं की। सिर्फ आदिवासियों की भावना को भड़काकर, दुष्प्रचार कर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो जमीन छीन लेगी, ये वर्षों से हमारे आदिवासियों के बीच ये झारखंड नामधारी पार्टी के नेताओं ने दुष्प्रचार कर अपनी मत पेटी भरने का काम किया, अपने धनवान बना हमारे गरीब आदिवासी को मौत के पेटी में सोए। यह हकीकत है संथाल परगना की राजनीति की। और जब मैं 2014 के विधानसभा चुनाव में अपने पार्टी के उम्मीदवार मुर्मू जी के प्रचार में आया था तो जामा के गांव में मैंने जो गरीबी देखी थी और किस तरह ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग दारू पिलाकर हमारे नौजवान की नस्ल खत्म कर रहे थे, हमारी महिलाओं को भी दारू पिला के नस्ल खत्म कर रहे थे, हमारी बहनों को विधवा बनाने का काम ये झारखंड मुक्ति मोर्चा 10:30 बजे ही
दो पुरुष एक महिला इतनी बड़ा लंबा दारू का बोतल लेके मैं जैसा गाड़ी से उतरा पैसा लाओ मैंने कहा क्यों दारू पीना मैंने कहा दारू तो पी रहा हूं और एक बूढ़ा सा आदमी बाल पका हुआ था मैंने पूछा बाबा आपका उम्र कितना है तो उसने कहा 40 वर्ष क्योंकि वो सिर्फ दारू पी रहा और चना का चकना खा रहा था। अब उसकी उम्र क्या होगी हमारी बहन विधवा होगी कि नहीं ये राजनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने बरसों से हमारे संथाल भाई बहनों को ठगने का। मुझे खुशी है कि हमारे संथाल समाज हमारा आदिवासी समाज हमारे आदिवासी नौजवान नियुक्ति आप संलग्न हो रहे उनकी बातें समझ में आ रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ दुष्प्रचार कर हमारे नाम पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने का। मैं आप पूरी सभागार से पूछ रहा हूं बताइए किसी आदिवासी का चाहे किसी का एक इंच जमीन सरकार ने छीनी